नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा, और देश की बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। सबसे पहले आज की बड़ी खबर आपको बताते हैं। एक बयान को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, एक बयान को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। जी हां, राज्यसभा के नेता गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस के नेता हैं, जाना माना चेहरा हैं, उन्होंने एक बातचीत के दौरान कहा कि कश्मीर में सेना जुल्म कर रही है, कश्मीर में आतंकियों से ज़्यादा नागरिक मारे जा रहे हैं। उनका ये बयान था, लोग इस पर आपत्ति दर्ज कराते। इससे पहले आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने अपनी सहमति गुलाम नबी आज़ाद के इस बयान पर दे दी है। एक प्रेस रिलीज जारी करके लश्कर ए तैयबा, जो कि बड़ा आतंकी संगठन है, उसके प्रवक्ता ने ये कहा कि गुलाम नबी आज़ाद जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कश्मीर में नागरिकों की स्थिति कुछ ऐसी ही है। जैसे ही ये समर्थन आया गुलाम नबी आज़ाद के बयान पर, उसके बाद सियासत अपने चरम पर पहुंच गई। लगातार कांग्रेस घिरती नजर आ रही है इस विषय पर, और जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ने इस बयान को कहा और उसके ठीक बाद लश्कर ए तैयबा का समर्थन आया, बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को सीधे सीधे हाथों हाथ लिया है। आपको वैसे बता दें कि बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन टूटने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर थी बीजेपी पर, अब शायद इस मुद्दे के बाद बाजी पलटी हुई नजर आएगी और बीजेपी जबरदस्त तरीके से हमले कर रही है। संबित पात्रा ने इसे शर्मनाक बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सीधे सीधे सेना की बात की जा रही है, उन सेना की जिन्होंने आतंकी संगठनों का खात्मा किया है, जो आतंकियों को मार रहे हैं। बहरहाल, ये अभी की ताज़ा खबर है। देखना है कि राजनीतिक गलियारों में इस बयान को लेकर किस तरीके से और गहमा गहमी नजर आती है। अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर भी घाटी से ही जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि घाटी में एनएसजी कमांडोज की तैनाती होने जा रही है। दरअसल एक बहुत बड़ी यूनिट पहले से ही वहां पर अपना प्रशिक्षण ले रही है, और अब यह खबर है कि एनएसजी कमांडोज की पूरी जिम्मेदारी कश्मीर में होगी। हालांकि वो जम्मू कश्मीर पुलिस के अंडर में ही होंगे, उन्हीं के जो भी नियम कानून है उसे मानेंगे, उन्हीं की आदेशों का पालन करेंगे, लेकिन एनएसजी अगर कश्मीर की धरती पर है तो इसका अंदाजा लगाइए कि मिशन कितना बड़ा होने जा रहा है। इस खबर की भी अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर भी दरअसल कश्मीर से ही है, और आज की ये बड़ी खबर इसलिए भी बन गई है क्योंकि रमज़ान में सीज फायर जो रुका था, उसके बाद आज एक ये बड़ा ऑपरेशन सेना का देखने मिला है, जहां पर अनंतनाग में 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि ISI के आतंकी हो सकते हैं, यानी पाकिस्तानी आतंकवादी हो सकते हैं। इस लिहाज से भी ये ऑपरेशन बहुत बड़ा माना जा रहा है। लगातार जिस तरीके से सरकार इस मुद्दे पर घिर रही है जम्मू कश्मीर की, या घिरती रही है, जिसके बाद बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन भी टूट जाता है, इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब अगर ये देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कहा जा सकता है, जिसमें सेना ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है, जो कि ISI के आतंकी बताए जा रहे थे। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी इस वक्त 2019 को लेकर बड़ी तैयारी में दिख रही है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर किस तरीके से अपना प्रचार प्रसार करना है, सोशल मीडिया के दायरे को कैसे बढ़ाना है, इस लिहाज से अमित शाह ने दिल्ली बीजेपी के जितने कार्यकर्ता थे, जिनके फॉलोअर्स लगभग 10,000 से ज्यादा थे, उन सब के साथ एक बैठक की है, और इस बैठक में यह तय हुआ है कि 2019 से पहले किस तरीके से एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति के तहत सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, और सरकार की जो आगे के लक्ष्य हैं उन्हें आम लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है अब, जिस लिहाज से सभी दल अब इसके महत्ता को समझ रहे हैं। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी जो युवा सम्मेलन है कांग्रेस का, वो भी बहुत जल्दी होने वाला है। कांग्रेस की युवा विंग ने तय किया है कि सोशल मीडिया पर तेजी से किस तरीके से राहुल गांधी को और कांग्रेस को प्रदर्शित करना है, कांग्रेस के को समक्ष रखना है लोगों के, ये कोशिश अब की जाएगी। यानी सोशल मीडिया 2019 में एक बहुत बड़ा माध्यम बनने वाला है प्रचार और प्रसार का। और आज की एक और अहम खबर दिल्ली से है। जी हाँ, दिल्ली में जब तमाम अफसर काम पर लौट चुके हैं, अब एक और विवाद दिख रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल अस्वस्थ हैं और वो इस वक्त अपने कामकाज पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उनकी जगह उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया काम कर रहे हैं, लेकिन अफसर कह रहे हैं कि वो मनीष सिसोदिया के साथ बातचीत कर सहयोग नहीं करेंगे।
अफसर कह रहे हैं कि राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री के साथ सहयोग करने और उनके साथ कामकाज की बात कही थी, न कि किसी के साथ भी। अफसरों ने ये बात तय कर दी है कि वो मनीष सिसोदिया के साथ सहयोग नहीं करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार अफसरों की और आम आदमी पार्टी की तनातनी देखने को मिली है, और जिसका खामियाजा ये रहा कि तकरीबन 8 दिन तक अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल के यहाँ धरने पर बैठते हैं, और उसके बाद उपराज्यपाल अफसरों को निर्देश देते हैं कि वो दिल्ली के लिए काम करें। हालांकि अफसरों ने काम कभी भी नहीं बंद किया था, लेकिन एक सहयोग की जो बात होती है वो शायद सरकार को नहीं दिख रहा था, आम आदमी पार्टी को नहीं दिख रहा था। जिस लिहाज से उपराज्यपाल के निर्देश के बाद अफसर काम पर लौटे थे, सचिवालय में एक बड़ी बैठक हुई थी, लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य बिगड़ गया, और अब पूरी जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया देख रहे हैं, लेकिन अफसर उनके साथ सहयोग करने को तैयार नहीं है, उनके आदेश को मानने को तैयार नहीं है। एक बार फिर दिल्ली की सियासत में ये नया रंग सामने आ रहा है। तो चलिए, ये थी आज की बड़ी खबरें। इन बड़ी खबरों के साथ ही फिलहाल हम यहीं रुक रहे हैं। आपका आने वाला कल आज के दिन से कहीं ज्यादा बेहतर, कहीं ज्यादा अच्छा हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।